में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से हुई। सुबह एक रोड शो के बाद पीएम ने बादामी और फिर हावेरी में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद रविवार को भी पीएम पहले रोड शो निकालेंगे और बाद में रैली निकालेंगे। पीएम ने बादामी की जनसभा में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया और कहा कि बीजेपी इनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने आई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है, 1 रुपये में से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस के इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। यही नहीं, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने बरसों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।